वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम ट्रेवल रिव्यू में। बता दें आपको कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सैर कराने वाले हैं बेहद ही खूबसूरत सिटी में, और साथ ही साथ उस सिटी को लव ऑफ सिटी भी कहा जाता है। तो वही जिनको खाने का बेहद शौक है उनको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, संगीत प्रेमियों को भी यहाँ जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो कलाओं के लिए भी ये सिटी जानी जाती है, हर किसी को एक ना एक बारी तो यहाँ पर जरूर घूम के आना चाहिए। बता दें आपको कि जहां हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो जगह जो है 10 मोस्ट ब्यूटीफुल हनीमून डेस्टिनेशन भी है। यानी जो न्यू मैरिड कपल हैं अगर वो ये प्रोग्राम देखेंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी कि वो यहाँ पर जाके भी अपना हनीमून सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम यहाँ कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें आज हम आपको सैर कराने वाले हैं पेरिस की, फ्रांस पेरिस की। बता दें आपको कि पेरिस जो है वो अपने लिए आईफिल टावर के लिए काफ़ी ही जाना जाता है। आईफिल टावर जो उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आज अब हमारे इस प्रोग्राम में देखेंगे कि पेरिस में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर घूमना चाहिए, और साथ ही साथ वहां पर बेहद ही टेस्टी खाना भी मिलता है। जो फूड प्रेमी हैं उनके लिए ये जगह काफ़ी ही दिलचस्प होगी, और वहीं आप देखेंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर पेरिस जो है जाना जाता है। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको पेरिस की सैर पर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको सैर कराने वाले हैं सपनों के शहर में। ये एक ऐसा शहर है जिसके एक दो नाम नहीं, लोग इसे तमाम नाम से पुकारते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा शहर है, तो आपको बता दें आज हम आपको सैर करवाएंगे फ्रांस के उत्तर में सीन नदी के तट पर बसा कल्पनाओं का शहर पेरिस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस को रोशनी का शहर और फैशन की राजधानी भी कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें लव ऑफ सिटी भी कहते हैं। 105.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इस शहर की जनसंख्या 22 लाख है। पूरा पेरिस 20 भागों में बटा है जिसे ओरिडेन साइमेंट कहते हैं। 6100 गलियों, 1124 बार और 1784 बेकरियों वाले इस शहर के बनने की कहानी बड़ी रोचक है। बता दें आपको कि वर्ष 1852 तक ये शहर आम शहर जैसा था। उसी वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुई नेपोलियन तृतीय राज बना, और उसी से बड़े ही जोर शोर से इस शहर की नीवीकरण शुरू हुआ। यूं तो घूमने के लिहाज से पूरा पेरिस शहर में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह खूबसूरती ही दिखाई देती है, फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर टूरिस्ट अक्सर ही घूमना चाहते हैं, जैसे आईफिल टावर। फ्रांस की क्रांति की एक शताब्दी पूरी होने का जश्न मनाने के लिए 1889 में पेरिस में एक वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया गया था। इसी के मुख्य द्वार के रूप में एक बड़ा और भव्य टावर बनाने का प्लान किया गया, जिसके बाद में तोड़ दिया जाना था। जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया उसके मुख्य इंजीनियर एलिफ के नाम पर इस नाम का आईफिल टावर रखा गया। लोहे का जलदार काम से बनी इस संरचना की ऊंचाई 1063 फुट है, जिसमें 3 फ्लोर हैं और 1665 सीढ़ियां हैं। हर लेवल पर जाने के लिए अलग अलग लिफ्ट की व्यवस्था भी है। पहली दो मंजिल पर रेस्टोरेंट आदि की सुविधा है। हर मंजिल से पूरे शहर का दृश्य भी दिखाई देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात को ये आईफिल टावर बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। जब इस आईफिल टावर में लाइटें चलती हैं तो ये बिल्कुल जगमगाने लगता है। वहीं ड्रिजीलैंड पार्क भी है जो टूरिस्ट अक्सर घूमते हैं।
वाल्डिजी के पात्र और फिल्म की थीम पर बना ये विशाल भव्य पार्क शहर के मध्यम भाग से 32 किलोमीटर पूर्व की दूरी पर है। ये पार्क 4800 एकड़ में फैला है और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2002 में इसकी साथ डीजी स्टूडियोज का निर्माण किया गया था। इन दोनों पार्क में कुल मिलाकर 57 झूले हैं, राइड्स आदि हैं। इसके अलावा यहाँ रंग बिरंगी पैरेड, लीजर शो, तमाम तरह की चीजें भी यहाँ पर होती हैं। बता दें आपको, ये तो थी दो जगह पेरिस की जो अक्सर लोग घूमते हैं, तो वहीं पेरिस की एक और जगह है आर्क ऑफ ट्रम्प्स। फ्रांस की क्रांति और अन्य योद्धाओं ने शहीदों को याद कर इस आर्क ऑफ ट्रम्प नामक गेट बनाया गया था, जहां पर उनको याद किया जाता है। यहां पर ये तमाम चीजें हैं जो टूरिस्ट घूम सकते हैं और ये पेरिस सबसे ही ज्यादा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बता दें आपको, कला का शहर भी इसे कहा जाता है। पेरिस में 200 से ज्यादा संघ प्लिया है। 1793 में खुला म्यूजिक डू लूव दुनिया के कुछ सबसे खास संग्रहालयों में से एक है। यहाँ कला के 35,000 से ज्यादा नमूने हैं। यही लियोनार्डो दा विंची के विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मानो लिसा भी मौजूद है। वहीं इसे प्रेम की नगरी भी कहा जाता है। पेरिस के उत्तर में 130 मीटर ऊंची मोमृत पहाड़ी पर प्रेम की एक दीवार है। 40 वर्ग मीटर की इस दीवार पर कलाकारों ने 612 टाइल्स पर 300 भाषाओं में आई लव यू लिखा है, जो बेहद ही दिलचस्प है। वहीं इस शहर को फैशन का शहर भी कहा जाता है। कोको फैशन ब्रांड को महिलाओं के फैशन में बड़ी क्रांति लाने वाला माना जाता है। यहाँ पर तमाम तरह के डिफरेंट फैशंस भी देखने को मिलते हैं, जो महिलाओं को काफी ही ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। यहाँ का फैशन ही पूरी दुनिया में फैलता है। बता दें आपको कि टूरिस्ट के लिए इन्हें दर्शनियों का शहर भी कहा जाता है। सोचना, बहस करना और दुनिया में नए अपनेपन की पहल के लिए पेरिस का सो जुर्मन द प्रिंस एंड द कैफे द फ्लोर कलाकारों के बीच हमेशा से ही मशहूर रहा है। 1930 में कला वर्क से जुड़े असामान्य जीवन शैली वाले इस जगह को अक्सर लोग घूमने आते हैं। वहीं पेरिस को संगीत का शहर भी कहा जाता है। सितंबर में टेक्नो संगीत के करीब 35,000 फैन पेरिस की सड़कों पर एक साथ नाचते और थिरकते भी हैं। इस शहर का संगीत के प्रति प्रेम किसी से भी छुपा नहीं है। बता दें आपको कि जो लोग, जो टूरिस्ट खाने के काफी शौकीन हैं, उनको पेरिस जरूर जाना चाहिए और यहाँ के रेस्टोरेंट्स को जरूर ट्राई करना चाहिए। फ्रांस निवासी खान पान के बेहद शौकीन होते हैं। फ्रांसिया खाने का मजा ही अलग है, तो पेरिस को नहीं भूला जा सकता। छोटे बड़े सब तरह के यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें काफी ही टेस्टी खाना भी मिलता है। वहीं इस शहर की खूबसूरती सेन नदी के किनारे 1991 से यूनेस्को की विश्व धराओं की सूची में शामिल हुआ। दक्षिण और उत्तरी किनारों को शहर के 37 पुल से जोड़ता है। बता दें आपको कि पेरिस इतना खूबसूरत है कि एक बारी हर किसी टूरिस्ट को यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। आजादी, बराबरी और भाईचारा। पेरिस के सबसे बड़े सीक्वल्स में से एक प्ले द लॉ रिपब्लिक शहर वासियों का अभिमान है। इस सीक्वल पर फ्रेंचाइजिंग गणतंत्र की पहचान की जाती है और ये शहर बेहद ही खूबसूरत है। आपने देखा, आज हमने आपको पेरिस की सैर कराई और साथ ही साथ ये भी बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, अगर आप पेरिस जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर जाएं। इसी खूबसूरती के बारे में भी बताया, आईफिल टावर के बारे में भी बताया और साथ ही साथ हमने आपको इसके इतिहास के बारे में भी कुछ तमाम चीज़ें बताई।
ये है खूबसूरती फ्रांस की कैपिटल कहलाए जाने वाली पेरिस की। सो वेल फ्रेंड्स, आप पेरिस की सैर से तो हमारे साथ वापस आ गए और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि यहाँ पर कौन कौन सी बेहद ही खूबसूरत जगहें हैं और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि किन किन चीजों को लेकर पेरिस काफी ही ज्यादा चर्चाओं में बना रहता है। अगर यहाँ के आईफिल टावर की बात की जाए तो यकीन मानिए कि आईफिल टावर को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। जाना आपने कि किन किन चीजों को लेकर जो है पेरिस काफी ही ज्यादा खबरों में बना रहता है और कौन सा पेरिस का सबसे टेस्टी फूड है, तो वहीं आपने ये भी देखा कि संगीत प्रेमियों के लिए भी पेरिस काफी खूबसूरत जगह है। अगर अब तक आप पेरिस नहीं गए हैं तो एक बारी जरूर वहां जाएं और वहां की खूबसूरती को भी इंजॉय करें और जो न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए तो ये डेस्टिनेशन बेहद ही प्यारी है। हमने तो आपको पेरिस की सैर यहाँ पर करवा ही दी, मगर एक बारी खुद से भी पेरिस की सैर आप करके आए और अगर आप पेरिस के बारे में और बातें जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। फिलहाल मैं तो चली, आप तब तक पेरिस जाने का प्लान जरूर बनाए। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून, टाटा। Subscribe and press the bell icon for latest updates.